ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश लगी हुई है। राजस्थान सरकार की बड़ी चूक सामने आई है। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संसद में दी गई जानकारी में ये बात सामने आई है कि अब तक प्रदेश की ओर से इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। प्रदेश के लिए बेहद जरूरी और महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा अब राजनीतिक बन चुका है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री आए दिन इस मामले को लेकर केंद्र पर आरोप लगाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोजेक्ट के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग से जल शक्ति मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यसभा में ERCP को लेकर सांसद राजकुमार वर्मा ने प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल राज्य का विषय है, इसलिए सिंचाई और पेयजल का विकास संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की प्लानिंग, निष्पक्षधन और संचालन और रख रखाव राज्य द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मंजूरी देने से पहले इनके अंतर राज्य तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की दृष्टि से जांच करता है। केंद्र मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाहरी सहायता के माध्यम से वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव आर्थिक कार्य को भेज सकती है। यह मंत्रालय जब ऐसे प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच केंद्रीय जल आयोग करवाता है। शेखावत ने स्पष्ट किया कि ERCP के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ERCP के लिए राजस्थान सरकार ने तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन 28 नवंबर 2017 को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और रास्ते में पड़ने वाले कस्बे, गांव और टैंकों के साथ साथ निकटवर्ती कमान क्षेत्र को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जल सुविधा उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है। इस प्रोजेक्ट की 50% भरोसेमंद मुनाफे पर योजना बनाई गई है।